हाय एवरीवन, आज हमारा है फर्स्ट डे इन बेसिकली स्विट्ज़रलैंड। हम स्विट्ज़रलैंड में लैंड किए थे और वहाँ से हम फ्रेश होके सीधा आए हैं जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट इज इन जर्मनी। ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट माउंटेन वो है, फॉरेस्ट वाला एरिया है। कि ब्लैक फॉरेस्ट इज कॉल्ड ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए नहीं कि उसकी दरख्त की लकड़ियाँ कुछ ब्लैक हैं या कुछ ऐसा है। ब्लैक फॉरेस्ट इसीलिए क्योंकि ये इतने बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त और इतने घने हैं कि उस फॉरेस्ट के अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं होती। इवन सूरज जितना मर्जी ऊपर हो तो वो अंदर से अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंदर से ब्लैक है वो। आप अंदर को आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, इतने घने फॉरेस्ट हैं वो, इतने बड़े बड़े। ऑलमोस्ट ज्यूरिख से ब्लैक फॉरेस्ट का जो रोड ट्रिप है वो 2 hours and 5 minutes का। तो 2 hours 5 minutes की ड्राइव पे हम लोग निकले थे, विच इज़ 138 kilometers। एंड आई मस्ट टेल यू, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। चलो जी, आपको मैं पहले व्यू दिखाती हूँ। सबसे पहले सर्दी लग रही है आपको, है ना? नहीं लग रही? यू डूइंग गुड? हाँ, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। ये देखिए जी, ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स आवर फर्स्ट डे हेयर और आज हम लोग आए हैं जर्मनी में। यहाँ पर हम देखने आए हैं ब्लैक फॉरेस्ट। और अभी इस वक्त हम लोग कहाँ आए हैं मैं आपको उस जगह का नाम बताती हूँ। ये देखिए बेटा, वी आर इन जर्मनी और इसके बाद हम वापसी पे स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं वापस। जी माई डियर। अच्छा जी, ये जो कुकू क्लॉक होती है आपको पता है कौन सी होती है? मैंने देखा वो जो घड़ी में से निकलती है, तो वो जो ओरिजिनल है ना क्लॉक, वो यहाँ बनती है जर्मनी में। पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में बनती है। क्योंकि किस तरह से ये ब्लैक फॉरेस्ट से ये लोग लकड़ी लेते हैं और उसके ऊपर उसको यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। व्हाट इज दिस? लेट्स सी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द व्यू। चलिए जी, आए आपको बहुत ही प्यारी जगह दिखाने लगी हूँ अब मैं। रेडी, 3 2 1 गो। ये देखिए क्लॉक, यहाँ पे इसकी पूरी डेमोंस्ट्रेशन होती है। यार हेयर फॉर हम उस स्टीवन हाउस मेड इन जर्मनी, यहाँ पे हम उस फैमिली को देखने और उनकी डेमोंस्ट्रेशन लेने आए हैं
जो यहाँ सबसे पुराने हैं और सबसे पुराना काम कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे इस कुकू क्लॉक को बनाते हैं और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और तो फाउंटेन टाइप समथिंग है, लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है ये, हैज लॉट ऑफ ब्यूटीफुल व्यूज। ये जो है आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ ऑर्नामेंट शॉप्स, यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सेल करते हैं। और ये जो है आप ब्यूटीफुल सा ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ अ कैफे एंड अ रेस्टोरेंट होटल। Okay, bro. और वहां पे हमने जाके देखा कुकू क्लॉक डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ यू मस्ट नो व्हाट कुकू क्लॉक इज, वो जो घड़ी बनी होती है, दैट इज कुकू क्लॉक। दैट इज द ओनली कुकू क्लॉक जो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में बनती है और कहीं पे भी नहीं होती है, वो पूरी दुनिया में। तो जिनको पता है इस क्लॉक का, इट्स लाइक अ लग्जरी। यूरोप में अगर किसी के घर में ये कुकू क्लॉक है तो इट इज़ लाइक समथिंग लग्जूरियस, जैसे आपके आपके पास रोल्स रॉयस है और आपके पास कोई बहुत लग्जूरियस किस्म की चीज़ है। सो द कुकू क्लॉक इज समथिंग लाइक दिस। हमने वहाँ से कुछ सोवेनर्स परचेज किए, कुछ हमने गिफ्ट्स लिए छोटे छोटे। यू नो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो अगर आपने किसी को गिफ्ट करनी है, दैट आर सोवेनर्स। ले लो, आपने ये डॉल्स लेनी है, मैं जमजम के लिए ये ले रही हूँ। ओके चलो ठीक, ओके चलो ठीक है। ओके चलो ठीक है, डॉल्स इसको पैक कर लो, रैप करवा लो। बेटर आप आपने लेके नहीं जाने, टैक्स रिफंड के बाद। ये हमारे यहाँ से हमने गिफ्ट्स ले लिए, सो गिफ्ट्स आर डन। थैंक यू। चलें जी, हम लोगों ने यहाँ से जो सोवनियर्स की शॉपिंग करनी थी वो कर ली है, अब बाहर चलते हैं। और मरवा, वेयर आर यू मरवा, जल्दी आ जाओ प्लीज। चलें अब हम यहाँ से निकलते हैं। सर दिवेर आर योर कैप, इनके हैट पहनाओ। आई ऑनेस्टली लव दिस व्यू, और बहुत प्यारा मौसम है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हम लोगों ने कुछ सोवेनियर्स हैं वो ले लिए हैं यहाँ से अंदर से, और वो जो कुकू क्लॉक है बेसिकली कहते हैं कि वो जो ओरिजिनल है वो यहाँ जर्मनी में बनती है, उसकी हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखी है। तो मैं जितनी आपको दिखा सकूँगी मैं आपको शो करूँगी। वीडियो में अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और हमारा जर्मनी में सिर्फ एक ही दिन है, अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं, उसके बाद हमने राइन फॉल्स देखना है। आपको ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में भी हमने कुछ बातें बतानी है। सो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो भी हमने देखा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जर्मनी आते आते जो रास्ता था वो बहुत प्यारा था, और ऑनेस्टली इतनी ग्रीनरी, इतना फ्रेश व्यू देख के बहुत मज़ा आ गया, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ व्यू। I miss your sight.
इधर हम लंच करने आए हैं। मगांड अब्दुलरहमान हियर। ओके, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ये बाहर का व्यू है। अच्छा जी, मुझे तो ऑप्शन यही मिली है। एक ये चावल है, मटरों वाले वाइट चावल हैं, दिस इज़ दाल, ये दो तरह की फ्रेंच फ्राइज हैं और दिस इज़ सैलेड। मुझे तो यही ऑप्शन मिली है और मैं यही डाल के लाई हूँ अभी खाने में। चलें खा के बताते हैं आपको। अच्छा जी, सब चीज़ों में मुझे ये वेजिटेबल राइस अच्छे लगे है ना। कैसे है? मज़े के। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर व्हाट एवर वी हैव। यू लाइक इट? अच्छा लग रहा है ना। वैसे आपने जिंदगी में कभी इंडियन खाना ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन आज आपने पहली दफ़ा खाया है ना। नहीं नहीं, मैंने खाया पहले खाया। हैदराबादी नहीं ट्राई किया। हैदराबादी खाया, बट दिस इज आई थिंक इंडियन, लेकिन ये अच्छा है। इट्स टेस्टी है ना, वेजिटेरियन है और मज़े का। अच्छा है। ये देखें, ये मेरा बच्चा खा रहा है माशाल्लाह। अब्दुलरहमान आप क्या खा रहे हो? मैं चावल वाइट वाले। वाइट वाले चावल खा रहे हो, गुड जॉब। आपको बताते चले कि फाइंडिंग हलाल फूड इन यूरोप इज़ नॉट ईजी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी फाउंड समथिंग फॉर अवर लंच और इट इज़ गुड एंड टेस्टी। वेजिटेबल राइस है, हलाल है और नॉन वेज वाली अभी शाम को हम खाएंगे। जब हमारा नॉन वेज डिनर शाम को है, जब हम वो खाएंगे तो आपको बताएंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, जो जो हम ट्राई करेंगे आपको बताएँगे। अभी हम किसी इंडियन पैलेस रेस्टोरेंट में आए, राइट? आजो मामा, केयरफुल, आजो माय डियर, जल्दी से आजो, आराम से उतरो। अच्छा जी, खाना हमने खा लिया, लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। हम जिधर खाना खाने आए हैं उधर से हम खाना खा लिया है। इंडियन पैलेस है और आपको कितने का पड़ा पर हेड? 15 यूरो पर हेड में हमने इंडियन खाना खाया है। और भूख लग रही है। दाल चावल, दाल मटर वाला यानी पुलाव कह लो, मटर पुलाव, दाल चावल थे, दो टाइप की दाल थी, सैलेड से फ्रेंच फ्राइज थी, आलू टिक्की थी। हमने बहुत सारा कुछ नहीं लिया, लेकिन जितना भी था अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज नाइस और अच्छा था और मज़ा आया हमें खाने का। तो अब हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, लेट्स क्रॉस द रोड। आ जाओ, केयरफुल 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 केयरफुल। अच्छा जी, तो इस सामने वाले रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था। ये सारी शॉपिंग की जगह है, ये भी अच्छा प्यारा बहुत प्यारा एरिया है। रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी बहुत सारी शॉपिंग के लिए वो बनी हुई है, बैग्स ले सकते हैं, कैप्स, हैट, मिटन, एवरीथिंग ले सकते हैं आप यहाँ से। और टूरिस्ट मार्केट आई बिलीव। अच्छा जी, जर्मन्स के बारे में एक बहुत मज़ेदार सी बात पता लगी है मुझे यहाँ पर। वो भी हम सोविनर्स खरीद रहे थे तो उन्होंने बताई, उस लड़की ने बताई कि जर्मन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कि उनको कैमरा में लिया जाए, बिकॉज दे डोंट लाइक, और उनको प्राइवेसी का बहुत वो होता है, तो प्राइवेसी इज़ एवरी थिंग। इस वजह से वन मोर थिंग जो मैंने जर्मन्स के अंदर देखी है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है कि जर्मन्स जो होते हैं ना, वो एक काम करने जाते हैं ना तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। yes, और वो एडवांस्ड होते हैं। so पूरे यूरोप वाले भी ऐसे हैं? नहीं, लेकिन जर्मन्स का ज़्यादा है, वो ना ऑटो पायलट मोड पे लाइक ऑल द टाइम होते हैं, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाते हैं और इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्री प्रिपेयरिंग जो होती है वो सारी पहले करके जाते हैं, सो दैट उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की। एंड दैट्स वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि जो होगा देखा जाएगा वाला हमारा एटीट्यूड होता है अक्सर, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने अब नेक्स्ट हमने कहाँ जाना है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए, ये सारी मार्केट्स हैं यहाँ पे। ये देखें,
शॉर्ट्सवाल्ड डॉर्फ डॉर्फ ब्लैक फॉरेस्ट विलेज, ये भी एक शॉप है, यहाँ शॉपिंग करने आ सकते हैं आप लोग। देन वी गॉट सम मोर शॉप्स एंड मोर शॉप्स। ये एक तरह की ना, हाँ जी, डॉगी के फुटप्रिंट्स हैं, डॉगी के फुटप्रिंट्स हैं। कहाँ? रियली? आई डोंट थिंक सो। नाइस। आपको यहाँ सर्दी लग रही है अब्दुल रहमान? टेम्परेचर क्या है यहाँ इस टाइम? 3-4 डिग्रीज है ना, 3-4। हम जब आए थे 3 डिग्री था स्विट्जरलैंड में। सुबह के टाइम है, रात के टाइम और कम हो जाएगा। अभी दोपहर का टाइम है, अभी तो 2 बज रहे हैं दोपहर के इस टाइम यहाँ पे। यकीन नहीं हो रहा इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम यहाँ घूम रहे हैं। हाँ, जो वो सुबह सुबह की सर्दी होती है ना, उस तरह की सर्दी फील हो रही है। अच्छा, अभी हम जो आगे जा रहे हैं ना राइन फॉल्स वाली साइड पे, वो और भी ठंडी जगह होनी है। राइन फॉल्स इधर है? नहीं। ओके एवरीवन, सो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। लेकिन अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि आगे लाने वाले हैं हम बहुत सारे मजेदार से व्लॉग्स। सो टेक केयर, मच लव एंड अल्लाह हाफिज़। बाय।